दोस्तों जय फिलान। जैसे कि आप सभी को पता है, आज का सेशन पर्टिकुलर हमने हाउ टू रिटेल द प्रोडक्ट वो टॉपिक के ऊपर डिजाइन किया हुआ है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में रिटेलिंग का महत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है। और रिटेलिंग अगर आपको प्रोडक्ट की रिटेलिंग आप नहीं कर पा रहे हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तो आज हम लोग प्रोडक्ट को रिटेल कैसे करना है, कैसे प्रोडक्ट को किसी कस्टमर या कंज्यूमर के आगे प्रमोट करना है, कस्टमर और कंज्यूमर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, रिटेलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, रिटेल का प्रोसेस क्या है, ठीक है, रिटेलिंग के बारे में क्या मिथ है, ये सब टॉपिक के ऊपर हम वन बाय वन बात करेंगे। और आज का सेशन पर्टिकुलर हम सभी डायरेक्ट सेलर के लिए एक बेहद ही लाइक कीमती सेशन है। तो इसीलिए जितने भी लोग आज मैरिज और वो सब सीजन चल रही है तो इसके कारण नहीं आ पाए हैं, तो उनके लिए हम ये रिकॉर्डेड सेशन पूरा यूट्यूब पे हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिलान ऑफिशियल के ऊपर यही सेशन को अपलोड करेंगे। तो वहां से भी आप आगे जाके भी ये सेशन को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हाउ टू रिटेल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिटेल कैसे करना है, प्रोडक्ट को बेचना कैसे है कस्टमर को, उसके बारे में आज पूरा हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रिटेलिंग क्या होता है, रिटेलिंग का मीनिंग क्या है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मीनिंग ऑफ रिटेल, रिटेल का मतलब क्या है, अगर कोई बताना चाहे, मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगा, अगर किसी को कुछ बताना है रिटेलिंग क्या होता है बोलना है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा फीड एटलीस्ट ऑन रखें। पहले भी हमने बताया है कि भाई कैमरा फीड ऑन होना ही चाहिए ड्यूरिंग मीटिंग। अनुराधा मैडम जय जगन्नाथ। सर जय जगन्नाथ सर। मैडम रिटेलिंग का मतलब आपके हिसाब से क्या है, रिटेल करना किसको बोलते हैं? मेरे हिसाब से सर बेचने के लिए बोलते हैं। ओके, बेचना यानी कि वो रिटेलिंग। कोई भी प्रोडक्ट को उसके बारे में डिटेल नॉलेज रख के उसके उसके बेनिफिट को लोगों को बताना है। ओके, आप बहुत करीब है, 75-80% आप करीब है। चलो देखते हैं हम रिटेलिंग का डेफिनेशन क्या है। दोस्तों रिटेलिंग का मतलब है जो आपके सामने है, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल यूज। यानी कि प्रोडक्ट या सर्विस दो टाइप की चीज होती है जो बेची जाती है, एक है प्रोडक्ट, यानी कि जैसे हम प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में है, जो हमारी प्रोडक्ट्स है सभी, जितनी आयुर्वेदिक है, पर्सनल केयर है, फॉर एग्जाम्पल हम हमारा फिल स्माइल टूथपेस्ट का एग्जाम्पल ले तो वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम सर्विस की बात करें तो सर्विस किसको बोलते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपको लाइक आप अपने बच्चे को ट्यूशन क्लासेस में भेजते हैं, तो वो ट्यूशन क्लासेस कोई लाइक प्रोडक्ट नहीं है, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वो एक सर्विस है। आप कोई भी चीज ऑनलाइन जोमेटो के ऊपर ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो से जो प्रोडक्ट आती है, यानी कि जो खाना आता है वो पर्टिकुलर आपकी प्रोडक्ट है, खाना जो आता है वो प्रोडक्ट है, लेकिन जो जो सर्विस के कारण वो खाना आपके घर तक आता है उसको हम सर्विस बोलेंगे। तो जोमेटो है वो एक सर्विस पोर्टल है, ठीक है। अगर आप बात करें कोई भी चीज की आपको जरूरत होती है और आप जस्ट डायल के ऊपर कॉल करते हैं तो जस्ट डायल एक सर्विस है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इसको सेलिंग करना किसको, इंडिविजुअल कंज्यूमर को, कि जो एंड यूजर है उनको आप वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, फॉर देयर पर्सनल यूज, तो उसको हम रिटेलिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आसान भाषा में हम बोले कि फॉर एग्जाम्पल किसी को खांसी हुई है और आप उसको डायरेक्ट वो पेशेंट को आप अपना लाइक कफ सिरप दे रहे हो, तो
वो जो पेशेंट है वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हुआ और उसको आपने प्रोडक्ट सेल किया, किसके लिए? उसके पर्सनल यूज के लिए, तो वो चीज को पर्टिकुलर हम रिटेलिंग बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो रिटेल का मीनिंग होता है कि भाई सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल यूज। प्रोडक्ट या सर्विस को इंडिविजुअल कंज्यूमर को बेचना उनके पर्सनल यूज के लिए, उसको रिटेलिंग बोला जाता है दोस्तों। क्लियर है रिद्धि मैडम? यस सर। क्लियर, ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे के ऊपर जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन है कि भाई बहुत सारे जगह पे कस्टमर बोला जाता है, बहुत सारी जगह पे कंज्यूमर बोला जाता है, ठीक है? तो क्या ये कस्टमर और कंज्यूमर सेम है या अलग अलग है? पहले तो ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। गजेंद्र जी, कस्टमर और कंज्यूमर दोनों चीज सेम है या अलग अलग है? सर ऐसे तो हम लोग दोनों को सेम ही मानते हैं। सेम मानते हैं, कस्टमर भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और कंज्यूमर भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। गजेंद्र जी का कहना है कि दोनों चीज सेम है, लेकिन दोस्तों वैसा नहीं है। हर एक के दिमाग में ये चीज है कि कस्टमर ही कंज्यूमर है और कंज्यूमर ही कस्टमर है, लेकिन वहां पे एक छोटा सा लाइक थीन लाइन है वो दोनों के बीच का डिफरेंस का। ठीक है, कोई बता सकता है क्या है वो लाइन? दशरथ जी, दशरथ माथो जी झारखंड से। सर जयफिलान सर, सर ऐसे जनरली लोग के दिमाग में तो यही होता है कि दोनों सेम है, लेकिन कस्टमर जो एक लेता है, जो मेरा हम जिसको एक बार बेच दिए, और जो कंज्यूमर जो उसको ले करके अपने में यूज करता हो, हम समझते हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बहुत नजदीक है, आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत नजदीक है। मैं आपको विद एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके सर। तो दोस्तों रिटेलिंग के प्रोसेस या रिटेलिंग के बारे में जानने से पहले ये चीज आपको पता होनी बेहद जरूरी है कि भाई कस्टमर और कंज्यूमर के बीच का डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों कस्टमर और कंज्यूमर के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। कस्टमर इसको बोला जाता है कि जो गुड्स को खरीदता है, ठीक है, और कंज्यूमर इसको बोला जाता है कि जो वो गुड्स को यूज करता है, एंड यूजर है, ठीक है? तो जिसके पास परचेसिंग पावर है, कि जो आपसे परचेस कर रहा है वो आपका कस्टमर है, लेकिन वो जो चीज उसने जो खरीदी है, ठीक है, वो अगर यूज करने वाला यानी कि उसको कंज्यूम करने वाला अगर कोई और है तो वो आपका कंज्यूमर है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे दिक्कत क्यों होती है, कई बार कस्टमर ही कंज्यूमर होता है, यानी कि वो ही खरीदता है, वो ही परचेस का डिसीजन लेता है और वो ही फिर कंज्यूम भी खुद ही करता है, ठीक है? कई बार वैसा होता है, लेकिन बहुत सारे केस में वैसा होता है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट या गुड्स खरीदने का जो परचेसिंग पावर है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो कस्टमर होता है, वो खरीदने के बाद वो गुड्स किसी और बंदा या कोई और बंदा यूज करता है तो उसको एंड यूजर बोला जाता है। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। जब आपको कोई भी इलनेस आती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जो दवाइयां हैं वो डॉक्टर आपको लिख के देते हैं, ठीक है, लेकिन उनका पेशेंट, ठीक है, कौन सी कंपनी की कौन सी दवाई खाएगा उसका डिसीजन किसके हाथ में है? डॉक्टर के हाथ में है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कस्टमर कौन है? डॉक्टर है। और कंज्यूमर कौन है? जो पेशेंट है, जो एंड यूजर है वो है। क्लियर हुआ? फिर से मैं बताता हूँ कि भाई जो दवाइयों की कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कोसेप कप सिरप है, सेफलॉन लाइफ साइंसेस का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर कोई किसी बंदी को लाइक कोई भी बंदे को खांसी हुई है, वो पेशेंट है और वो कोई डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर पर्चे में कोसेप कप सिरप लिखता है, तो सेफलॉन के लिए डॉक्टर है वो कस्टमर हुआ, क्योंकि उसने डिसीजन लिया कि भाई कौन सी कंपनी की कप सिरप दी जाएगी, ठीक है। और जो बंदे ने वो प्रोडक्ट को खरीदा यानी कि कंज्यूम किया, वो पेशेंट सेफलॉन के लिए कंज्यूमर हो गया। क्लियर है? मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपने
बच्चे को ट्यूशन क्लासेस में एडमिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कौन से ट्यूशन क्लासेस में जाएगा उसका डिसीजन अगर आप लेते हैं एज अ पेरेंट्स, आप ही लेते हैं, ठीक है, तो आप वो केस में वो ट्यूशन क्लासेस के लिए कस्टमर आप हुए, क्योंकि आपने डिसीजन लिया कि आपका बच्चा कहाँ पे पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन वो शिक्षा किसने प्राप्त की, आपके बच्चे ने की, तो आपका बच्चा ट्यूशन क्लासेस के लिए कंज्यूमर हुआ। क्लियर है? इतना सा छोटा सा भेद है। कई बार क्या होता है कि भाई कस्टमर ही खुद कंज्यूमर होता है, इसीलिए ये दोनों चीज एक ही हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर को खांसी हुई है और वो कफ सिरप ले रहा है, ठीक है, तो वो केस में डिसीजन मेकिंग भी डॉक्टर है और यूज करने वाला भी डॉक्टर है, तो कस्टमर और कंज्यूमर दोनों डॉक्टर हुआ, ठीक है। लेकिन वो अगर किसी मरीज को वो प्रोडक्ट दे रहा है तो वो केस में जो कस्टमर है वो डॉक्टर हुआ और जो कंज्यूमर है वो मरीज हुआ। क्लियर दोस्तों? दशरथ जी, अब क्लियर हुआ? यस सर, ठीक है। तो कस्टमर और कंज्यूमर के बीच ये छोटा सा फासला है कि जो बंदा प्रोडक्ट खरीदने का डिसीजन लेता है वो बंदा कस्टमर है, और जो बंदा वो प्रोडक्ट को यूज करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है, वो बंदा कंज्यूमर है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों कस्टमर और कंज्यूमर के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि सम नेसेसिटी टू बिकम ग्रेट रिटेलर। अगर आपको बहुत ही अच्छा रिटेलर, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट सेलर बनना है, तो आपके अंदर कुछ चीजें वैसी चाहिए कि जो आपको ग्रेट रिटेलर बना सके। तो वो चीजें कौन कौन सी है वो आपके सामने वन बाय वन पेश करूंगा। तो ग्रेट रिटेलर बनने के लिए सबसे पहली और बेहद जरूरी चीज है दोस्तों, प्रोडक्ट का नॉलेज। आप जो चीज बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट का ए टू जेड नॉलेज आपके अंदर होना बेहद जरूरी है। अच्छे रिटेलर होने की सबसे बड़ी निशानी वो है कि आपके पास हर एक प्रोडक्ट का जो आप सेल कर रहे हैं वो सभी प्रोडक्ट का नॉलेज आपके अंदर है। समझो कि फिलान जैसी कंपनी में 250 प्रोडक्ट है, 250 प्लस प्रोडक्ट है। अगर 250 प्लस प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने प्रोडक्ट का आपको इन डेप्थ ए टू जेड नॉलेज है वही प्रोडक्ट को आप सेल करिए। जरूरी नहीं है कि 250 के 250 प्रोडक्ट का आपको नॉलेज हो और 250 के 250 प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं। आपको सक्सेस होने के लिए एक दो या तीन प्रोडक्ट का नॉलेज और एक दो या तीन प्रोडक्ट का सेल ही काफी है, ठीक है। लेकिन वो तीन प्रोडक्ट का नॉलेज आपके अंदर उतना होना चाहिए कि उसके बारे में ए टू जेड नॉलेज, यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका कस्टमर करता है तो आपको वो पूरा का पूरा नॉलेज उसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है वही प्रोडक्ट को आप बेचिए, वही प्रोडक्ट को आप प्रेजेंट करिए, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ही लाइक फिलान के ग्रेट रिटेलर बनने के लिए आपके अंदर एक चीज होनी जरूरी है कि जितने भी प्रोडक्ट है उसका ए टू जेड नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके अंदर ए टू जेड नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में सीखिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे उसके सेशन, सभी सेशन वहां पे रखे गए हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर समझो कि 250 के 250 प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो 250 के 250 प्रोडक्ट आप सेल मत करिए। आपके पास अगर समझो कि 50 प्रोडक्ट का ही नॉलेज है तो वही 50 प्रोडक्ट को आप बेचिए, ठीक है। क्योंकि ग्रेट रिटेलर बनने के लिए आपके पास सभी प्रोडक्ट का नॉलेज होना बेहद जरूरी है, और हर एक प्रोडक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होना तो उससे भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ही अच्छा रिटेलर बनना है तो सबसे पहली नेसेसिटी, सबसे पहली जरूरियात वो है कि आपके अंदर प्रोडक्ट का ए टू जेड नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर दोस्तों? प्रोडक्ट का नॉलेज होने के बाद आपके पास, अगर आपको ग्रेट रिटेलर बनना है तो आपके पास कंपटीटर का नॉलेज भी होना जरूरी है। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वेदांत हेयर ऑयल सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट में 50,000 कंपनियां हेयर ऑयल बनाती है, तो वो कंपनियों से आपका प्रोडक्ट कैसे बेटर है, वो कंपनियों में लाइक हेयर ऑयल के सेगमेंट में कौन कौन सी कंपनियां बहुत बड़ी है, हेयर ऑयल के सेगमेंट में कौन कौन से प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, वो सेगमेंट में पर्टिकुलर जो आपके कंपटीटर है उसके प्रोडक्ट में और आपके प्रोडक्ट में क्या वैसा डिफरेंस है कि जिसके कारण कस्टमर उसका प्रोडक्ट छोड़ के आपका प्रोडक्ट ले। क्लियर है दोस्तों? तो वो चीज क्लियर करनी बेहद जरूरी है। जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो आपको उसको बोलना है कि भाई आप आज कौन सा हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, तो वो बोलेगा कि भाई बजाज आलमंड ड्रॉप मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको फिर वहां पे वो कंपटीटर, आपको बजाज आलमंड के बारे में पता होगा तो आपका फिलान का वेदांत हेयर ऑयल कैसे उससे सुपीरियर है वो आप उसको समझा सकेंगे, ठीक है। सिर्फ वेदांत का नॉलेज या वेदांत नामक प्रोडक्ट का नॉलेज होने से आप हेयर ऑयल को सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको जो वो यूज कर रहा है उसका भी नॉलेज होना जरूरी है,
ठीक है, तभी जाके आप उसको बता सकेंगे कि जो आप यूज कर रहे हैं इसमें ये नहीं है और मेरे में ये है, इसलिए आपको ये यूज करना चाहिए। क्लियर हो रहा है दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी कस्टमर के पास गए कि वो बजाज आलमंड हेयर ऑयल यूज कर रहा है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि उसका जो बेस है यानी कि वो हेयर ऑयल जो तेल से बनता है वो उसमें LLP यानी कि लाइट लिक्विड पैराफिन होता है, और लाइट लिक्विड पैराफिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसको ज्यादा यूज करने से लॉन्ग टर्म में आपको वो कैंसर कर सकता है। ठीक है, अगर ये नॉलेज आपको कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के बारे में आपके पास है और जब आप कस्टमर के पास जाते हैं और वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है कि जो उसके लिए हानिकारक है, तो आप वहां पे वो प्रोडक्ट के बारे में बता के फिर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं कि भाई हमारे वेदांत हेयर ऑयल में हम LLP यानी कि मिनरल ऑयल्स को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट आप लॉन्ग टर्म भी यूज करो तो आपको कैंसर जैसी कोई बीमारी हो नहीं सकती है, और उसका जो हमारा रिजल्ट है वेदांत हेयर ऑयल का वो कंपिटिटर के प्रोडक्ट से भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंपिटिटर के प्रोडक्ट के अंदर लाइव जड़ी बूटी नहीं है। ठीक है, जबकि हमारे हेयर ऑयल में वो लाइव जड़ी बूटी है। ठीक है, तो जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट कंपिटिटर के प्रोडक्ट से सुपीरियर है, इसीलिए आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। ये जो मैंने 2 मिनट का जो आपको डिफरेंस बताया कंपिटिटर के प्रोडक्ट का और अपने प्रोडक्ट के नॉलेज का, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया कि प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, तो आपके वेदांत हेयर ऑयल में लाइव जड़ी बूटी है वो आपका खुद के प्रोडक्ट का नॉलेज हुआ। ठीक है, लेकिन बजाज आलमंड हेयर ऑयल में मिनरल ऑयल्स होते हैं और उसके कारण कैंसर होता है वैसा रिसर्च हुआ है, तो वो आपके कंपिटिटर के प्रोडक्ट का नॉलेज हुआ। जब आप ये दोनों नॉलेज को मिक्स करके कस्टमर के सामने प्रेजेंट करेंगे दोस्तों, तब जाके कस्टमर को लाइट होगा और तब जाके कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आपको आपकी प्रोडक्ट का भी नॉलेज होना बेहद जरूरी है कि आपकी प्रोडक्ट कैसे सुपीरियर है कंपिटिटर से, और आपको कंपिटिटर के डिसएडवांटेज भी पता होना जरूरी है कि भाई कंपिटिटर के प्रोडक्ट में कौन कौन से फॉल्ट है जो आपकी प्रोडक्ट में नहीं है। जब ये दोनों चीज आप एक साथ उनके सामने प्रेजेंट करेंगे तो आपका सेल और तो आपका रिटेलिंग ग्रेट हो जाएगा यानी कि अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास आप अपने खुद के प्रोडक्ट का नॉलेज, कंपिटिटर के प्रोडक्ट का नॉलेज, और साथ में क्या चीज होनी चाहिए, तीसरी चीज लिसनिंग स्किल। जब आप किसी भी कस्टमर के साथ बात करते हैं तो उनको सुनिए धैर्य से। कई बार लाइक रिटेलर क्या भूल कर देते हैं कि वो अपने ही बारे में बताते 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 जाते हैं, तो कई बार कस्टमर का जो ईगो होता है वो ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है, और कई बार ईगो के कारण वो सेल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि हर एक बंदे को सामने वाला सुनना लाइक सुने वैसा चाहिए। ठीक है, तो सुनने की स्किल आपके अंदर होनी बेहद जरूरी है। आपको जब आप कस्टमर के साथ सेल के लिए बैठे हैं, आप कोई प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट का डेमो दे रहे हैं, आप उसको कंपिटिटर प्रोडक्ट यानी कि वो जो यूज कर रहा है वो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तब आपके अंदर लिसनिंग स्किल होनी बेहद ही जरूरी है। ठीक है, लिसनिंग स्किल यानी कि आपको सामने वाले कस्टमर को सुनने की स्किल। क्यों दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम जब प्रोडक्ट का नॉलेज देते हैं उसके बाद जब उसको हम जो वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो उसका उतना दीवाना वो होता है कि कई बार हम उसको जब वो प्रोडक्ट का नेगेटिव पॉइंट बताते हैं तो वो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो टाइम पे अगर आप उसके साथ क्रॉस करोगे, उसके साथ जीवाजोड़ी करोगे, उसके साथ लड़ने की लाइक नोकझोंक करोगे, तो वहां पे वो फिर आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो उसके ईगो पे आ जाएगा, तो वो फिर प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा। तो कभी भी कस्टमर को ईगो के ऊपर लेके जाना नहीं है। एक चीज का खास ध्यान रखना है कि भाई कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर ही भगवान है, कस्टमर इज गॉड। ठीक है, ये सब जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सबको आपको माइंड में रखना है, और जब आप प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करते हैं कंपिटिटर के बारे में आप बताते हैं, तब आपको सामने से कस्टमर को भी सुनना है, और कस्टमर को सुनने के बाद कभी भी उसकी बात को अपोज नहीं करना, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अगर आपको आपका ओपिनियन कस्टमर से अलग है तो आपको एक चीज करनी है, और वो है कि हाँ सर जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये प्रोडक्ट के बारे में ये है। आपको उसको कभी भी ना नहीं बोलना है, उसको वैसा ही बोलना है कि भी आपका ओपिनियन सही है लेकिन मेरा ओपिनियन ये प्रोडक्ट के बारे में ये है, तब जाके वो कस्टमर के अंदर ये चीज जाएगी। बाकी आप डायरेक्ट बोलोगे कि नहीं नहीं आप गलत है, आपने आज तक गलत प्रोडक्ट यूज किया, आप पागल है, वैसा करोगे तो कभी भी कोई कस्टमर आपके सामने आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। कस्टमर को आपको धीरे से शांति से उसके बारे में समझाना है, नहीं समझ रहा है तो उसकी हाँ में हाँ भर के उसको आपको अपने ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से आपको उसको पूरा का पूरा समझाना है।
क्लियर है दोस्तों? तो आपके अंदर कस्टमर को लिसन करने की स्किल होनी चाहिए। यह ग्रेट रिटेलर के लिए एक और स्किल है। उसके बाद जो चौथी स्किल है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर साइकोलॉजी, कस्टमर की साइकोलॉजी, कस्टमर की मनोदशा को जानना भी बेहद जरूरी है। कई बार क्या होता है कि भाई कस्टमर की साइकोलॉजी को हम नहीं समझ पाते और इसके कारण हम कई बार फ्लॉप होते हैं, ठीक है। कई बार कस्टमर को क्या है कि प्रोडक्ट की प्राइस से या वो सब चीजों से दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसा एडेक्वेट है, बहुत है। लेकिन कई बार कस्टमर को की साइकोलॉजी को आपको समझना है कि उसने जो पहले जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे उसकी कौन सी मनोदशा है कि जिसके कारण वो प्रोडक्ट को वो बारी बारी से यूज कर रहा है, ठीक है। जब आप कस्टमर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे तब जाके आपको एक ग्रेट रिटेलर बन सकते हैं। दोस्तों आपको ये चीज समझनी है कि हर एक कस्टमर की साइकोलॉजी अलग अलग होती है और वो उसके एटमोस्फियर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। कोई कस्टमर वैसा होता है कि भाई वो प्राइस सेंसिटिव होता है, ठीक है। कोई कस्टमर वैसा होता है कि भाई उसको रिजल्ट चाहिए, चाहे प्रोडक्ट का प्राइस चाहे कितना भी हो, ठीक है। कोई कस्टमर वैसा होता है कि भाई उसको वो उसके अंदर ईगो बहुत ही होता है, ठीक है। तो ये सब चीज जब आप फर्स्ट टाइम कोई किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो आपको ये चीज उसकी बातचीत से आपको ख्याल कर लेना है पहले 2-3 मिनट में कि भाई सामने वाला कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है, किस टाइप का कस्टमर है वो, क्या वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड कस्टमर है, वो आपको पहले माइंड में फिक्स कर देना है। अगर वो प्राइस सेंसिटिव है तो आपको उसको हमारे प्रोडक्ट के प्राइस ट्रेडिशनल मार्केट से कम है वो चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड है तो आपको वो टाइम पे कस्टमर को हमारे टेस्टिमोनियल दिखा के यूट्यूब पे कि भाई हमारे प्रोडक्ट के ये रिजल्ट है वो दिखा के आपको उसको कन्विंस करना है। अगर आपकी कस्टमर साइकोलॉजी अगर आप अंडरस्टैंड करना सीख गए दोस्तों तो आप ग्रेट रिटेलर बन सकते हैं। सिर्फ दो ही चीज का ध्यान रखना है कि वो अगर प्राइस सेंसिटिव है तो आपको प्राइस के ऊपर उससे बात करना है, अगर वो रिजल्ट ओरिएंटेड है तो आपको उसको टेस्टिमोनियल दिखा के उसको कन्विंस करना है, क्लियर है। तो आपके अंदर ये स्किल भी होनी बेहद जरूरी है कि आप सामने वाले कस्टमर की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पाए। तो दोस्तों उसके बाद जो मैंने नेसेसिटी बताई वो नेसेसिटी जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट की कि भाई प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, कंपटीटर का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लिसनिंग स्किल होनी चाहिए कि आपको कस्टमर को अच्छे तरह से सुनना है। और उसके बाद जो चौथी नेसेसिटी मैंने आपको बताई वो है कि भाई आपको कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना है, ठीक है। तो ये चार नेसेसिटी के बाद अगर आपको ग्रेट रिटेलर बनना है तो आपको रिटेलिंग की प्रोसेस को जानना बेहद जरूरी है। जब आप कोई भी चीज कोई भी प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं यानी कि बेचने के लिए जाते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है, आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए वो एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो वो चीज का प्रोसेस समझना भी बेहद जरूरी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रोसेस से जाएंगे तो ही आप एक ग्रेट रिटेलर बन सकते हैं। तो रिटेलिंग के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है दोस्तों ग्रीट योर कस्टमर, यानी कि जब भी आप किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं तो सबसे पहले जब आप उसको मिलते हैं तो आप उससे हैंडशेक करिए, क्योंकि आपकी फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है। अच्छे से लाइक कपड़े में आप वहां पे जाइए, आप वो कस्टमर को ग्रीट करिए यानी कि ग्रीटिंग्स दीजिए, ठीक है, कि आप कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी टाइम है उसके मुताबिक आप उसको ग्रीटिंग करिए। उससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव एटमोस्फियर वहां पे आपका लाइक कन्वर्ट होगा और कस्टमर को ग्रीट करते समय आपको वो चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी ग्रीटिंग के समय आप बिजनेस की या धंधे की बात मत करिए। आप सीधे ही कोई कस्टमर को फॉर एग्जांपल आप किल स्माइल टूथपेस्ट बेचने के लिए गए हैं, ठीक है, तो आपको पहले जाके कस्टमर को ग्रीट करना है कि सर कैसे हैं आप, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइमिंग है। फिर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि भाई मैं फिलान हर्बोमेडिक्स से हूँ, हमारी कंपनी 1989 से लाइक पेटेंटेड प्रोडक्ट बना रही है और उसके बेहद ही अच्छे रिजल्ट है, ठीक है। ऐसे बात की हम बात करके हमको जो रिटेलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है। तो ग्रीटिंग के बाद दोस्तों क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्ट कन्वर्सेशन विद नॉर्मल अदर टॉक,
कि आपको बिजनेस की बात नहीं करनी है, पहले आपको उनके बारे में कि सर आप कैसे हैं, ये चीज को आपको पहले पूछना है, ठीक है? फिर वो बताएंगे भी अच्छे है, ये है वो है। आप अगर उनको जानते हैं, आपके लाइक रिलेटिव है, तो आप उनको रिलेशन के बारे में और अदर टॉक करिए, ठीक है? दो तीन चार पांच मिनट अगर आपके रिलेटिव है तो आप उनकी फैमिली का हालचाल पूछिए, ठीक है? उनकी फैमिली का हालचाल पूछने के बाद हम लाइक कन्वर्जेशन स्टार्ट करेंगे। तो कभी भी आप रिटेलिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स करना है, उसके बाद जब आपकी चर्चा स्टार्ट होती है तो आपको कोई अदर टॉपिक से चर्चा को स्टार्ट करना है, नॉर्मल अदर टॉक से, ठीक है? उसके बाद हमारे लाइक प्रोडक्ट का रिटेलिंग का प्रोसेस चालू होगा, जिसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर। दोस्तों हमारे पास 250 प्रोडक्ट है, 250 में से आप जिस कस्टमर के पास बैठे हैं उनको कौन सी प्रोडक्ट की जरूरत है वो आपको पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो आपका कन्वर्जेशन कैसे स्टार्ट होगा कि सर हम फिलहाल हर्बो मेडिसिन में काम कर रहे हैं, हमारे 250 प्लस प्रोडक्ट है, हर एक लाइक डिसीज के लिए दवाई है, तो अगर आपके घर में या आपको कोई डिसीज है तो आप एक 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 दो प्रोडक्ट ट्राई करके आप हमारा रिजल्ट चेक करिए, फिर आपको अगर अच्छा लगे तो घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट भी है वो भी आप दो तीन प्रोडक्ट मंगवाइए, और साथ में फिर आपको अच्छा लगे तो अदर बंदों को रिफर करिए, ठीक है? क्योंकि हमारा बिजनेस ही रिफर करने का है, और जब आप रिफर करेंगे और आपके नीचे टीम बनेगी तो वो जब प्रोडक्ट का सेलिंग करेंगे तो उनके वॉल्यूम के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है? ये आपकी बेसिक टॉक हुई कि आपको कैसे करना है। पहले तो वो बंदे को आपको एज अ कस्टमर कन्विंस करना है कि वो अपने प्रोडक्ट को यूज करे, क्योंकि जब तक कोई बंदा अपना प्रोडक्ट यूज नहीं करता है तब तक वो प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में उसको पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले उसको अपना कस्टमर बनाना है, कंज्यूमर बनाना है, उसके बाद उसको बिजनेस के बारे में बताना है, ठीक है? और मैं तो बोलता हूँ कि पहली दूसरी मीटिंग में आप कभी भी बिजनेस के बारे में स्ट्रेट बात मत करिए। पहली मीटिंग में सिर्फ आप उसको प्रोडक्ट ही सेल करिए और वो प्रोडक्ट को यूज कर लाइक करवाइए, और उसके बाद फॉलोअप लेके जब उसको अच्छा लगे, जब वो किसी बंदे को रिफर करे, तभी जाके उसको बिजनेस प्लान दिखाइए, ठीक है? तब जाके आपकी जेन्युइनिटी साबित होगी और तब जाके उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। तो दोस्तों जब भी आप किसी भी कस्टमर को मिलने के लिए जाते हैं तो 250 में से कौन से प्रोडक्ट उसके लिए यूजफुल है वो नीड को आपको समझना है। अगर उसके घर में कोई डिसीज नहीं है तो आप उसको अपना पेस्ट, टूथपेस्ट है या समझो कि हेयर ऑयल है या हमारा साबुन है, वो प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। अगर डिसीज है तो डिसीज का कोई एक दो कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, उसके साथ साथ आप उसको रेगुलर यूज करने के लिए साबुन, टूथपेस्ट या तेल दे सकते हैं, शैम्पू दे सकते हैं। तो आपको पहले कभी भी रिटेलिंग के प्रोसेस में सामने वाले कस्टमर की क्या नीड है वो बेहद ही जानना जरूरी है, और वो काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद दोस्तों उसकी अंडरस्टैंड लाइक नीड का अंडरस्टैंड करने के बाद उसके सामने उसके रिलेटेड कौन कौन सा प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है वो आपको उसको दिखाना है, वो प्रोडक्ट को आपको प्रेजेंट करना है, और वो प्रोडक्ट के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में आपको उनको बताना है। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले कस्टमर ने मुझे बताया कि मेरे घर में मेरी दादी माँ है और उनको लाइक जोड़ों का दर्द है, तो मैं जोड़ों के दर्द के लिए जो भी हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो सभी प्रोडक्ट को उसके सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है? जैसे कि डॉक्टर फील ऑयल है, डॉक्टर फील कैप्सूल है, ठीक है, या हमारा सिरप है सेफ और दो नॉनी सिरप है, तो वो सब चीज हम पहले उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के बाद उसको कैसे लेना है वो मैं उनको समझाऊंगा, और उनको समझाऊंगा कि भाई कंपटीटर के जो जोड़ों के दर्द के प्रोडक्ट है उसके मुकाबले ये प्रोडक्ट में कितना दम है, ठीक है? उसके लिए मैं वो प्रोडक्ट के पर्टिकुलर जो भी टेस्टिमोनियल है जो ऑनलाइन मेरे पास यूट्यूब में अवेलेबल है वो सभी टेस्टिमोनियल मैं उनको दिखाऊंगा कि भाई देखो ये बंदे को जोड़ों का दर्द था, उसने यही सेम कॉम्बिनेशन कंपनी से लिया था और उसका रिजल्ट ये है। जब आप उसको टेस्टिमोनियल दिखाएंगे तो उसको ये प्रोडक्ट के प्रति उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है? तो आपको जो उसके लिए सही है वो प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके टेस्टिमोनियल, वो प्रोडक्ट के रिजल्ट कौन कौन से आज तक कंपनी ने लिए हैं, वो सभी प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में उसको फिर आपको बताना है। जब आप इतनी चीज करोगे तो उसके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल टेस्टिमोनियल देखने के बाद आएगा, और उसको रिटेलिंग के द्वारा वो कस्टमर पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको
ये टेस्टिमोनियल दिखाने के बाद आपको उसको वो भी चीज क्लियर करना है, वो भी डाउट क्लियर करना है कि भाई जो आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो सुपीरियर प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल बाकी सभी प्रोडक्ट के मुकाबले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया कि किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो आपको उसको जब हेयर फॉल का जो कैप्सूल है हमारा हेरिलोन वो, और जब आप वेदांत हेयर ऑयल और साथ में फिलफेप शैम्पू देते हैं, तो आपको उसको बताना है कि सर ये तीन प्रोडक्ट का जबरदस्त रिजल्ट है। आपने उसको टेस्टिमोनियल भी दिखाया, ठीक है, टेस्टिमोनियल दिखाने के बाद आपको बताना है कि सर मार्केट में आपको कोई भी प्रोडक्ट वैसा नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर हेयर ऑयल के अंदर लाइव जड़ी बूटी हो, ठीक है। अगर मैं हेयर ऑयल के अंदर लाइव जड़ी बूटी सिर्फ और सिर्फ फिलान के प्रोडक्ट में है और इस रेट में सिर्फ और सिर्फ फिलान के पास है, ठीक है, जब आप ये चीज, जब आपकी प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन की सुपीरियरिटी आप जब सामने वाले कस्टमर के माइंड में आप फिट करेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, तो वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए 100% कन्विंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को दांतों की सड़न है या दांतों में लाइक पेन है, ठीक है, दर्द है, तो उसके लिए हम उनको बता सकते हैं कि भाई जो हमारा चारकोल टूथपेस्ट है उसमें नॉनी का एक्सट्रैक्ट है और साथ में क्लब ऑयल भी डाला हुआ है, जिसके कारण आपका जो दांतों का दर्द है वो कम हो जाएगा। और ऐसा कॉम्बिनेशन कि जहां पे चारकोल भी हो, नॉनी एक्सट्रैक्ट भी हो, क्लब ऑयल भी हो, वैसा मार्केट में कोई भी जगह पे नहीं है। तो जब आप ये चीज उसको बताएंगे कि भाई मार्केट में और कोई ऑप्शन है ही नहीं सिवाय ये प्रोडक्ट का, तो वो 100% आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो आपको दोस्तों छठे स्टेप में प्रोसेस ऑफ रिटेलिंग में आपको कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी के बारे में बताना है कंपिटिटर की प्रोडक्ट से, कि आपका प्रोडक्ट कंपिटिटर की प्रोडक्ट से कैसे एक स्टेप आगे है, वो आपको उसको कन्विंस करना है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है, सातवां स्टेप, जब वो बंदा यानी कि आपका कस्टमर जब आपकी प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज लेके कंपिटिटर से वो प्रोडक्ट कैसे अच्छा है वो जान के, आपके प्रोडक्ट के क्या क्या रिजल्ट है उसके बारे में और उसके टेस्टिमोनियल देखने के बाद 100% वो कन्विंस हो जाएगा, तो वहां पे आपको सेल को क्लोज करना है कि सर ये प्रोडक्ट का आपको कॉम्बिनेशन लेना है और इसका जो प्राइस है डीपी प्राइस या जो भी एमआरपी प्राइस आपका ये है, ठीक है। दोस्तों आज सभी हमारे पास लगभग जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप सभी से हमारी लास्ट कोर कमिटी में भी डिसाइड हुआ था कि जब भी आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मत सेल करिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आप लोगों के लिए है, कंपनी आपको वो रेट पे दे रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लीवफिल सिरप की बात कर रहा हूँ तो लीवफिल सिरप की एमआरपी 200 रुपया है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 120 रुपया है, तो आप करते क्या हो गलती कि आप 120 रुपये में कंपनी से लेके 120 रुपये में ही सेल करते हैं, ठीक है। वो दोस्तों कभी भी नहीं करना है, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर को अपना मार्जिन रख के ही आगे सेल करना है। तो आपको कौन से रेट पे करना है, तो आपको एमआरपी के ऊपर सेल करना है, और बहुत बहुत तो एमआरपी पे आप 10% या 20% या 15% 20% तो ज्यादा है, मैं तो बोलता हूँ सिर्फ 10% ही आप डिस्काउंट दीजिए। यानी कि समझो कि 200 रुपये का लिवफिल सिरप है तो उसका 10% डिस्काउंट हुआ 180 रुपये, ठीक है। तो आप 120 रुपये में कंपनी आपको दे रही है तो आप 180 रुपये में कस्टमर को बेचिए, तो 120 से लेके 180 तक का यानी कि 60 रुपये का रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा। मैंने पूरा का पूरा आपका प्रोसेस स्कैन किया तो वहां पे मेरे को पता चला कि ज्यादातर लोग अपने जो प्रोडक्ट है वो कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे लेके वही प्राइस पे कस्टमर को सेल करते हैं। तो दोस्तों वहां पे आप कभी पे भी कहीं पे भी सफल नहीं होंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी स्टेट के लीडर से, कि आप लोग एक रूल्स बना दीजिए कि वहां पे आपको अपना प्रोडक्ट 10% से ज्यादा डिस्काउंट किसी को भी नहीं देना है, ठीक है। एमआरपी के ऊपर 10% डिस्काउंट पे ही आप अपने प्रोडक्ट सेल करिए या एमआरपी पे सेल करिए, ठीक है। और बीच का जो रिटेल प्रॉफिट है वो आप लोग कमाइए, क्योंकि जब आप रिटेल प्रॉफिट कमाएंगे तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जितना दोस्तों आपको पे आउट आता है एट द एंड ऑफ मंथ डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन, उससे 2-3 गुना ज्यादा आप रिटेलिंग का प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप उसको एमआरपी या एमआरपी से 10% या 5% लेस में बेचे। और आपको डायरेक्ट सेलिंग में अगर बहुत बड़ा काम करना है, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं देना है। आपको कस्टमर को एमआरपी पे या एमआरपी पे 5-10% का डिस्काउंट देके ही प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है। तो आपको सेल को क्लोज करते समय उसको एमआरपी या उसके ऊपर 5-10% का डिस्काउंट देके वो प्रोडक्ट को उसको देके उसके सामने जो भी पैसा होता है वो आपको ले लेना है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका सेल है वो क्लोज होगा, और या तो दूसरी जो है चीज वो सेल क्लोज नहीं होगा।
अगर आपका सेल क्लोज नहीं होता है, अगर वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेता है, तो आपको उसको कुछ रेगुलर इंटरवल्स यानी कि 5 दिन 7 दिन के बाद फिर से आपको फॉलोअप करना है कि सर आपको वो कौन सा रीजन है कि जिसके कारण आपने हमारा प्रोडक्ट नहीं लिया। ठीक है, वो कस्टमर को 5-7 दिन के बाद आपको उसको फोन करके पूछना है कि सर आपने जो हमने पूरा प्रोडक्ट प्रेजेंट किया था, हमारी प्रोडक्ट का इतना अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा कम प्राइस है, फिर भी आपने नहीं लिया, तो उसके पीछे का रीजन मुझे जानना है। तो वो रीजन 5-7 दिन के बाद जब आप कॉल करोगे रेगुलर इंटरवल्स पे फॉलोअप लोगे, तब तब आपको वो कस्टमर से पता चलेगा कि भाई वो टाइम पे उसके पास पैसा नहीं था इसीलिए प्रोडक्ट नहीं लिया, कि आपका प्रोडक्ट उसको नहीं पसंद आया इसीलिए नहीं लिया। अगर उसको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया है तो आप उसको और ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं कि सर 100% रिजल्ट है, आप 1-2 प्रोडक्ट लेके आप देखिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में 100% रिजल्ट है। अगर उसने पैसों के कारण नहीं लिया तो उसको पूछना है कि सर आपका सैलरी कब होता है, जब उसका सैलरी हो तब आप उसको फिर से फॉलोअप लीजिए कि सर अगर आपका सैलरी हुआ है तो अभी आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको सेल ना होने के रीजन जान के उसके पीछे का फॉलोअप लेके आपको वो 7 दिन पहले जो सेल नहीं हुआ था उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेल में। ठीक है, तो दोस्तों ये था प्रोसेस ऑफ रिटेलिंग, और उसमें हमारा लास्ट और फाइनल जो स्टेप है वो है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट फ्रॉम सजेशंस। जब आपका सेल नहीं होता है तो आपको फॉलोअप लेके उसको पूछना है कि भाई आपने हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया, और जब उसने वो चीज बताई कि भाई ये कारण से हमने वो लाइक प्रोडक्ट नहीं लिया है, तो वो प्रोडक्ट में लाइक आपकी क्या कमी रह गई वो आपको पर्टिकुलर लाइक समझना है। अगर आपकी कमी प्रोडक्ट नॉलेज सही नहीं था वो थी, तो आपको वो प्रोडक्ट नॉलेज को आपको इम्प्रूव करना है। अगर आपकी कमी कंपटीटर नॉलेज नहीं था वो थी, तो आपको कंपटीटर के बारे में आपका नॉलेज को इम्प्रूव करना है। अगर आपने प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल नहीं दिखाए और उसके कारण नहीं हुआ, तो आपको वो टेस्टिमोनियल के वीडियो ढूंढने पड़ेंगे, टेस्टिमोनियल के वीडियो बनाने पड़ेंगे और फिर उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको किस कारण से उसने सेल्स नहीं दिया वो चीज को आपको समझना है, और फिर उसके बारे में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको करना है। क्लियर है? जब आप वो चीज में कस्टमर से जो सजेशंस आया उसके ऊपर आप काम करके वो चीज पे आप इंप्रूव करेंगे, तब जाके आगे जाके 100% आपका सेल होगा और आप एक ग्रेट रिटेलर बनेंगे। तो दोस्तों ये प्रोसेस ऑफ रिटेलिंग यहां तक था, 9 स्टेप में थी, वो आपको पूरा समझना है। यही लाइक पूरे प्रेजेंटेशन का PDF हम सभी ग्रुप में डाल देंगे, तो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काम में आएगा। और आज का सेशन रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग भी को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रोसेस के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, और वो है नेक्स्ट पड़ाव है हमारा रिटेलिंग के बारे में सम मिथ। कितने के बहुत सारी जो मिथ है यानी कि पूर्व धारणा है कि भाई ये तो होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को दोस्तों वैसा एक होता है माइंड में, जो लोग रिटेलिंग कर रहे हैं ग्रेट रिटेलर है उनके माइंड में एक चीज वैसी होती है कि भाई कस्टमर कभी भी महंगी चीज खरीदता नहीं है। राइट और रॉन्ग, कई बार लोगों को वैसा होता है कि भाई ज्यादा महंगी चीज है इसीलिए कस्टमर नहीं खरीदेगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगा कि हर एक चीज का मार्केट है, महंगी प्रोडक्ट का भी मार्केट है और सस्ती प्रोडक्ट का भी मार्केट है, रिजल्ट वाली प्रोडक्ट का भी मार्केट है और लाइक रिजल्ट ना होने वाली प्रोडक्ट का भी मार्केट है। आपको जानकर ताजुब होगा दोस्तों कि मार्केट में वैसे भी प्रोडक्ट है, आपके सामने है एप्पल, एप्पल का फोन मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, मार्केट में सबसे एक्सपेंसिव फोन अगर कोई कंपनी का आता है तो वो एप्पल का आता है, और मार्केट में अगर सबसे ज्यादा फोन अगर इन टर्म्स ऑफ सेल्स की बात करें, अगर पूरे वर्ल्ड में कोई चीज सबसे ज्यादा बिक रही है तो वो एप्पल का फोन बिक रहा है। ठीक है, तो जो लोगों के अंदर वो मानसिकता है कि भाई कस्टमर कभी भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदता नहीं है, तो वो चीज बिल्कुल गलत है। आपको भी पता होगा कि भाई 200 रुपए का भी शर्ट आता है, 100 रुपए का भी आता है और 2000 रुपए का भी आता है, तो 100-200 वाले शर्ट भी लाइक सेल होते हैं और 2000 रुपए वाला शर्ट भी सेल होता है। दोनों के अपने अपने कस्टमर अलग अलग हैं। 100-200 रुपए वाले का भी सेल होगा और 2000 रुपए वाला भी सेल होगा। कपड़ों के मार्केट में तो कहावत है कि भाई कोई भी रंग का कोई भी साइज का अगर आप कपड़ा बनाते हैं तो उसको पहनने वाला कहीं ना कहीं तो है ही। ठीक है, तो आपको ये चीज माइंड में से निकाल देनी है अगर आपको ग्रेट रिटेलर बनना है, कि भाई हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं होते।
ऐसा नहीं होता है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी सेल होते हैं अगर उसके अंदर दम है तो, अगर उसके अंदर रिजल्ट है तो। एप्पल को का सेल होने का सबसे बड़ा लाइक कारण ही वही है कि उसका ब्रांडिंग वो तरह से हुआ है कि वो एक सुपीरियर प्रोडक्ट है और उसके अंदर जो फीचर्स है वो बाकी के किसी भी फोन में नहीं है, इसीलिए वो एक स्टेटस सिंबल हो गया है और इसीलिए वो महंगा होने के बावजूद भी बिकता है। हमारे यहाँ तो दोस्तों कैसा होता है कि भाई लाइक जो जो लाइक महंगाई के कारण अगर 5-10 रुपया प्रोडक्ट की प्राइस में प्लस हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर ऊपर नीचे हो जाता है कि सर ये प्राइस बढ़ गया अभी हम कैसे सेल करेंगे। दोस्त वैसा नहीं होता है, कभी भी प्रोडक्ट को अपने प्राइस के ऊपर नहीं बेचना चाहिए, प्रोडक्ट को अपने बेनिफिट के ऊपर बेचना चाहिए आपको। अगर आपके प्रोडक्ट में वाकई में वो बेनिफिट्स है तो उसका, अगर आपका 50 रुपये का प्रोडक्ट है तो भी 500 रुपये में लेने के लिए तैयार होगा। अगर हमारी कफ सिरप में अगर 2 ही बार यूज करने से कफ निकल जाता है तो भले हम 80 रुपये में बेचे लेकिन वही प्रोडक्ट अगर हमको 800 में बेचनी है तो भी वो 800 रुपये में खरीदने वाले लोग हैं क्योंकि उसके प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट है इसीलिए। ठीक है, तो माइंड में से अगर आपको ग्रेट रिटेलर बनना है तो ये चीज निकाल देनी है कि भाई हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कभी भी बिकते नहीं है। आपके सामने मैंने एग्जांपल रखा, एक और चीज का एग्जांपल दूंगा, बर्गर। दोस्तों बर्गर 20 रुपये का, 15 रुपये का, 25 रुपये का भी आता है लेकिन वही बर्गर की कैटेगरी में नंबर 1 कंपनी मैकडोनाल्ड है तो वो मैकडोनाल्ड का बर्गर स्टार्टिंग 150 रुपये से होता है। ठीक है, तो 150 रुपये में स्टार्टिंग होते हुए 300, 400, 500 रुपये का एक एक बर्गर भी लोग खाने वाले हैं और वहां पे भी वेटिंग लगता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी वैसी है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसी है, वो बर्गर की क्वालिटी वैसी है कि वो 15-20 रुपये में वो नहीं मिलती है। तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि भाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी अगर उसके अंदर दम है, अगर उसके अंदर रिजल्ट है तो सेल हो सकते हैं। अगर आपको ग्रेट रिटेलर बनना है तो कभी भी प्रोडक्ट को उसकी प्राइस के ऊपर नहीं बेचना चाहिए, उसके बेनिफिट के ऊपर बेचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो दूसरी मिथ है, जो पूर्व धारणा हमारे माइंड में है कि भाई कुछ प्रोडक्ट वैसे है कि जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है। जैसे कि मैंने कपड़े का अभी ही एग्जांपल दिया कि भाई कोई भी साइज कोई भी कलर में आप कपड़ा बनाओ उसको पसंद करने वाला उसकी साइज का कोई ना कोई बंदा पूरे वर्ल्ड में से आपको मिल जाएगा। वैसे जो लोग बोलते हैं कि भाई कुछ प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजर, राइट नाउ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हैं कि सर उसकी कोई डिमांड नहीं है, वैसा नहीं होता है दोस्त। आज के जमाने में मार्केट में जहर भी बिकता है जो आपके सामने मैंने रखा है। RMD पान मसाला यानी कि गुटखा का एक ब्रांड है जहां पे लिखा हुआ होता है कि ये खाने से कैंसर होता है फिर भी लोग खाते हैं। ठीक है, कोका कोला के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई इसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है कि जिसके कारण आपके शरीर को ये नुकसान कर सकता है, इंजीरियस टू हेल्थ है, फिर भी हम लोग पी रहे हैं। ठीक है, और फिर भी ये लाखों करोड़ों रुपये की कंपनियां हैं। ठीक है, तो हम तो दोस्तों मेडिसिन मार्केट में है, यहाँ पे हम तो वो चीज बेच रहे हैं कि जिससे किसी की हेल्थ अच्छी होने वाली है। तो आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होना बेहद जरूरी है। कभी भी वैसा नहीं सोचना है कि भाई ये प्रोडक्ट का मार्केट नहीं है। अगर मार्केट में जहर बिक रहा है और जहर बेचने वाली कंपनियों का मार्केट अगर लाखों करोड़ों अबजों करोड़ का मार्केट है तो हमारा तो मेडिसिन का बिजनेस है कि जिससे हम किसी की हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, तो उसका तो 100% मार्केट बहुत ही बड़ा है। तो ये भी मिथ आपको माइंड में से निकालना है कि भाई ये प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। आपके सामने मैंने 2 एग्जाम्पल रखे हैं, एक है कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है। ठीक है, उसका 1-2 pH का ये जो ड्रिंक है और उसके कारण हमको बहुत सारे दिक्कत होते हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम होते हैं। साथ में हमने RMD पान मसाला यानी कि गुटखा की एक कंपनी की बात की है कि जो खाने से आपको मुंह का कैंसर हो सकता है, फिर भी मार्केट में ये लाखों करोड़ों रुपये की ब्रांड है और लाखों करोड़ों का माल जहर होते हुए भी बिक रहा है। तो आपको कभी भी ये चीज माइंड में नहीं रखनी है, आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि भाई हर एक प्रोडक्ट का मार्केट है और हमको वो मार्केट की डिमांड को कहीं ना कहीं से समझ के पकड़ के उसको सेल करना है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज का जो सेशन था वो हाउ टू रिटेल द प्रोडक्ट, उसके ऊपर जो हमारा प्रेजेंटेशन था वो यही पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो पूरा सेशन था वो बहुत ही यूजफुल साबित हुआ होगा। आगे जाके जब भी आप मार्केट में सेल करने के लिए जाएंगे, रिटेलिंग करने के लिए जाएंगे, तो ये PDF है, मैं सभी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। आप अपने साथ रखिए उसको, हर रोज सुबह एक बार देख लीजिए कि भाई क्या प्रोसेस है, कौन सी चीज हमको माइंड में नहीं रखनी है, कौन सी नेसेसिटी है ग्रेट रिटेलर बनने के लिए। ये सब चीज आपको कहीं ना कहीं माइंड में बैक ऑफ द माइंड रखना है। अगर वो चीज को आप धीरे 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 करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है,
तो आप अच्छे से एक ग्रेट रिटेलर बन जाएंगे। और हमारी जैसी कोर कमिटी मीटिंग में बात हुई थी कि भाई हमको प्रोडक्ट है वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे सेल नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को यानी कि आपको वो प्रोडक्ट दे रही है, तो आपको जब कस्टमर को सेल कर रहे हैं आगे रिटेल कर रहे हैं तो आपको एमआरपी पे ही आपको प्रोडक्ट देना है। बहुत बहुत तो 10% से ज्यादा डिस्काउंट किसी को नहीं देना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे हमारा समाप्त होता है। कुछ लीडर से हम लोग फीडबैक ले लेंगे कि भाई आज का सेशन में क्या कुछ प्लस माइनस या कैसा रहा। तो निनाद जी से स्टार्ट करते हैं। यस निनाद जी, वॉइस सर आपका नहीं आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, गजेंद्र कुमार साहनी जी को। यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा जानकारी दिया। और मार्केट में सर बात करें तो 90% हमारे उतने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको रियली में पूरा नॉलेज नहीं होता है कि हमें खुद का प्रोडक्ट का नॉलेज और अदर प्रोडक्ट का भी नॉलेज, ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम इस चीज को नहीं बताएंगे तो सामने वाला वही चीज प्रोडक्ट को अच्छा मानता है। तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट तो सबसे बेटर कैसे है इस चीज को हमें प्रेजेंट करना है, तो ये सबसे बेस्ट लगा सर हमें। और सही में हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा मंत्र है सर। थैंक यू सो मच। सुब्रता बोबी जी, थैंक यू सर। हेलो, समझ गए सर? हाँ सर, आ रहा है वॉइस। हेलो जी सर, डिटेल अपना बिजनेस का मेन मूल मंत्र है डिटेल, ठीक है। डिटेल का बारे में सबका एक चीज है, मतलब शर्माता है, घर में जाने में दिक्कत रहता है, ठीक है। लेकिन खुल के बोलने से वो अपना प्रोडक्ट का क्या फायदा है, सबसे इम्पोर्टेंट वो प्रोडक्ट का बारे में, अपना दूसरे प्रोडक्ट का जानने के बारे में अपना प्रोडक्ट को जानना जरूरी रहता है। दूसरा तो अभी हम लोग कर सकेंगे मार्केट का जो प्रोडक्ट है उसके साथ हम लोग को कंपेयर करना रहता है। तो हम लोग को तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना प्रोडक्ट का जो बेस नॉलेज है वो सबके पास नहीं रहता है। बेस नॉलेज पहले अपना प्रोडक्ट का लेने के बाद ही हम लोग बोलना स्टार्ट करेंगे, तभी तो हम लोग दूसरे को मतलब कंपेयर करके कर सकते हैं ना। तो ये है सर, आज का सेशन जबरदस्त था क्योंकि ये हम लोग को चाहिए रहता था। और एक आपका ये सेशन जबरदस्त है, हम लोग सबको जो भी अटेंड नहीं कर पाए सबको देंगे, और हम उन लोग से हम लोग बातचीत करके रिजल्ट को और अच्छे से करके कोशिश करेंगे। हम लोग एक ऐसा मोबाइल इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री में हम लोग हर प्रोडक्ट का रिजल्ट है और मार्केट में हम लोग को काम करना भी है। थैंक यू सर। थैंक यू सुब्रता जी। उसके बाद राकेश जी, जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर। जी सर। आपका सेशन सर बहुत बढ़िया रहा, जो कि हमारा मेन फोकस था हाउ टू रिटेल, इसका जो बेसिक पॉइंट्स बहुत बढ़िया अच्छा लगा। और आपने जो बोले कि सामने वाला क्या बोल रहा है हमको सुनना चाहिए, जो लिसनिंग स्किल है और जो प्रोडक्ट का नॉलेज, ये दो चीज बहुत बढ़िया मायने रखता है हमको आगे रिटेलिंग करने के लिए। हमारा सब प्रोडक्ट को हम एमआरपी में बेचना ही चाहिए, ये बहुत बढ़िया बात आप बोले, और सब भी ये चीज करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज का सेशन वैसे भी हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था टेक्निकल दिक्कतों के कारण, और आज जो भी हमने हाउ टू रिटेल द प्रोडक्ट वो सेशन में जो भी हमने चर्चा की कि भाई सबसे पहले हमने नेसेसिटी के बारे में बात की, ठीक है, कि भाई क्या क्या। सबसे पहले तो हमने जो चीज की चर्चा की वो था कि मीनिंग ऑफ रिटेल, कि रिटेल का मीनिंग क्या है। तो भाई सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट का सेल करना या लाइक सर्विस देनी उसके पर्सनल यूज के लिए, उसके बारे में हमने पहले उसका मीनिंग समझा रिटेल का। उसके बाद कस्टमर और कंज्यूमर के बीच का हमने डिफरेंस समझा कि कस्टमर वो है कि जो डिसीजन लेता है प्रोडक्ट को लेने के लिए, और कंज्यूमर वो है कि जो एंड यूजर है कि जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। उसके बाद दोस्तों हमने नेसेसिटी के बारे में बात किया कि भाई ग्रेट रिटेलर बनने के लिए कौन कौन सी नेसेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए,
तो उसमें हमने चार नेसेसिटी के बारे में बात किया। सबसे पहले प्रोडक्ट का नॉलेज, उसके बाद दोस्तों कॉम्पिटिटर का नॉलेज, उसके बाद लिसनिंग स्किल, और जो चौथा था वो था कि भी अंडरस्टैंड ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी, ठीक है, कस्टमर साइकोलॉजी। तो ये चार चीज आपके अंदर ग्रेट रिटेलर बनने के लिए जरूरी है। और उसके बाद हमने प्रोसेस देखा रिटेलिंग का, कि जहां पे सबसे पहले था कि ग्रीट द कस्टमर, कस्टमर को ग्रीट करना है, उसके बाद लाइक उसके साथ जो कन्वर्जेशन स्टार्ट करना है वो नॉर्मल टॉक से करना है, नॉर्मल दूसरी टॉक से, उसके बाद कस्टमर का नीड समझना है तीसरे स्टेप में, चौथे स्टेप में आपको जो समझना है वो है कि भाई प्रोडक्ट को, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए उसको प्रेजेंट करने हैं, उसके बाद उसको वो प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल यानी कि रिजल्ट के बारे में बात करनी है, उसके बाद उसके लाइक रिटेलिंग का जो छठा स्टेप था वो था कि भाई आपकी प्रोडक्ट बाकी के कंपटीटर के प्रोडक्ट से कैसे सुपीरियर है वो आपको उसको बताना है, उसके बाद वो प्रोडक्ट को सेल करके लाइक जो सेल है उसको क्लोज करना है। अगर आपका सेल क्लोज नहीं हुआ है तो आठवें स्टेप में हमने बताया है कि भाई उसका आपको फॉलोअप लेना है, और फॉलोअप लेके किस रीजन के कारण वो सेल नहीं हुआ वो जानना है, और जब रीजन पता चले कि भाई ये रीजन के कारण सेल नहीं हुआ है तो उसको लाइक इम्प्रूवमेंट करना है कस्टमर के सजेशन से। तो ये 9 स्टेप का पूरा हमने रिटेलिंग का प्रोसेस बताया। उसके बाद कुछ जो दो मीथ है उसके बारे में बताया कि भाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मार्केट में बिकते नहीं है, तो वो भी हमने क्लियर किया कि नहीं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी मार्केट में बिकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमने दूसरी मीथ बताई कि भाई कुछ प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होता है मार्केट में, तो वैसा नहीं है, हर एक प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है और हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक रेट पे कस्टमर है, तो वो मीथ भी हमने यहाँ पे क्लियर की। तो ऐसे टोटल हमने आज रिटेलिंग का जो मॉड्यूल जो कवर किया है उसका पूरा का पूरा जो रिकॉर्डिंग है आज की मीटिंग का वो हम आज के आज यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको भी आप शेयर करिए, जो लोग आज किसी कारणवश मीटिंग में नहीं आ पाए हैं उनको भी आप ये चीज शेयर करिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द हम दूसरे सेशन के साथ लाइक हाजिर होंगे। बहुत जल्द हमारी दूसरी कोर कमेटी की मीटिंग भी विदिन 15 दिन के अंदर होने वाली है, तो जो भी स्टेट के कोर कमेटी के लीडर है वो लोग भी रेडी रहे, आपको एक दिन पहले इंटीमेशन दिया जाएगा। और जो मैरिज सीजन के कारण या ज्यादा गर्मी के कारण जो सेल कम हुआ है तो उसको हम कैसे बेटर वे से वो सेल को प्लस कर सके, वो चीज के ऊपर स्टेट के लीडर एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाए और ये महीने में एक अच्छा सा बिजनेस लाइक करे और अपना अच्छा सा पे आउट बनाए, अपना अच्छा लाइक कमीशन बनाए और अपने सपने साकार करे, वही एक अच्छी चीज के साथ आज का सेशन हम लाइक यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय जगन्नाथ, जय फिलान, जय फिलान।